अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। रेसिपी शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आज हम लाएँ मुहर्रमुल हराम का शरबत, और मुहर्रमुल हराम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो शरबत बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? हमने लिया है यहाँ 1.5 लीटर दूध। हम आप पैकेट का भी ले सकते हैं और डेयरी का भी, जो आपको अच्छा लगता है आप वो इस्तेमाल कर लें। यहाँ हमने लिया है 1.5 गिलास पानी। यहाँ हमने लिए 1 प्याली और आधी प्याली 1.5 प्याली चीनी का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ। यहाँ हम तुख मलंगा, जिसे पापची भी कहते हैं, 2 चम्मच हमने पानी में भिगो दी है। यहाँ हम फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन फूड कलर है हमारे पास लिक्विड में है, अगर आपके पास ड्राई भी हो तो कोई मसला नहीं है। चंद कतरे हम केवड़ा वाटर के इस्तेमाल करेंगे। आधी चम्मच हम इलायची पाउडर, 2 चम्मच बादाम, 2 चम्मच पिस्ते, 2 चम्मच खोपरा, और यहाँ हम वैनिला पाउडर कस्टर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ये 2 चम्मच है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ हमने एक देगची रख ली है, अब इसमें हम दूध डालेंगे। दूध को हम अच्छे से गर्म करेंगे हिला हिला के, और उसके साथ ही हम यहाँ चीनी ऐड कर देंगे, 1.5 प्याली चीनी जो थी हमारी। बिल्कुल चीनी को हम हिला हिला के मेल्ट करते रहेंगे, और इसी पॉइंट पर हम यहाँ 1.5 गिलास पानी भी शामिल कर देंगे। इलायची पाउडर, और अब हम दूध जब तक गर्म होगा हम चलाते रहेंगे इसको, और चीनी भी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए हमारा दूध में उबाल आ चुका है और सारी चीनी भी मेल्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं चीनी बिल्कुल नहीं आ रही। इस पॉइंट पे हम ये कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और इसको मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि लम्स नहीं पड़े। और आग बिल्कुल आपको इस टाइम बिल्कुल स्लो कर देनी है। चंद कतरे डालेंगे ग्रीन कलर के। अब आप कलर चेक खुद कर सकती हैं, लाइट डार्क आपको जैसा पसंद हो आप वैसे रख सकती हैं। हमारे हिसाब से ये परफेक्ट कलर है। और यहाँ हम डालेंगे केवड़ा एसेंस। खोपरा जो हमने कद्दूकस किया था वो, पिस्ते और बादाम। इस पॉइंट पे अगर आपका शरबत थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकती हैं अपने हिसाब से। आपको जितना पतला चाहिए आप इसमें 1/2 गिलास पानी और डाल सकती हैं अगर आपको गाढ़ा लग रहा है। हमारे हिसाब से ये परफेक्ट है। तो हम मिलते हैं इसको ठंडा करने के बाद, उसके बाद हम मिलाएंगे इसमें तुख मलंगा। अभी हमारा शरबत अच्छा खासा ठंडा हो गया है, थोड़ा गर्म। इसी पॉइंट पे हम यहाँ पर तुख मलंगा जो देखें आप देख सकते हैं बिल्कुल फूल चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फूल चुका है, इसे हम यहाँ शामिल कर देंगे और हिला लेंगे। अब इसे हम ठंडा करके फिर सर्व करके आपको दिखाते हैं ये कैसा लगता है। तो लीजिए तैयार है हमारा शरबत। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी मेरी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।